हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काटा बाज़ार। दोस्तों, काटा बाज़ार में आज आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। एक पीसीबी है जो कि ब्लूटूथ पीसीबी है, इसका इंस्टॉलेशन और यूज बताने वाला हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्लूटूथ सिस्टम लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आईसी है। आप इस तरीके से इसको किस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल टीडीएम की पीसीबी से रिप्लेस करना है इसको। इसको रिप्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं और बेटर तरीके से उसको यूज कर सकते हैं ब्लूटूथ पीसीबी। तो मैं आपको पहला इसमें सोल्डिंग करके स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो देखिए। कभी भी कोई भी पीसीबी पे सोल्डिंग करने से पहले, वायर जोड़ने से पहले आपको ऐसा इस तरीके से सोल्डिंग कर लेना है। ऐसा अगर आप क्लीन सोल्डिंग कर लेंगे तो फिर आपका वायर जुड़ने में एकदम आसानी होगी, एकदम इजी तरीके से आपका सोल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें उसको किस तरीके से प्रॉपर हर जगह पर जहाँ जहाँ पर हमें जोड़ना है, जिस जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हम पहले सोल्डर पेस्ट लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे लोड सेल लगेगा, फिर यहाँ पे आपको बाकी का सारा चीज लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आप उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये है ट्रांसफार्मर का वायर, तो हम इसको ट्रांसफार्मर के वायर में जोड़ देंगे। इसको जोड़ के थोड़ा सा हल्का सा फूंक मारने का, तो उस हिसाब से वो ठंडा होके चिपक जाएगा। गर्म रहेगा तो जल्दी से चिपकता नहीं। फिर यहाँ पे दूसरा आएगा बैटरी का सेक्शन। बैटरी लगाने से पहले हम इसमें ऑन ऑफ स्विच लगा लेंगे, नहीं तो कैसा कि फिर चालू हो जाएगा और चालू होकर इधर उधर शॉर्ट करेगा। तो पहले अब इस तरीके से वायर में भी आप सोल्डिंग कर लें। अगर कभी भी जोड़ना है तो पहले वायर और जहाँ पर सोल्डिंग करना है वहाँ पर प्रॉपर से सोल्डिंग लगा लें। फिर जब इसमें प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग लग जाएगा तो इजीली आपका ये चिपक जाएगा वहाँ पे, नहीं तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम करेगा। इस तरीके से आप वायर जोड़ सकते हैं सारे के सारे वायर। जब एक बार इसमें सोल्डिंग लगा देंगे तो आपको ये इजीली चिपक जाएगा, चिपकने में कोई परेशानी नहीं होगी। बैटरी का वायर जब भी आप जोड़ें तो उसको दूर दूर रखें, नहीं तो आपस में शॉर्ट होगा। और उस पर भी अगर शोल्डर लगाना हो तो आप इस तरीके से शोल्डर लगा सकते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे बैटरी कनेक्शन लगाते ही यहाँ का ब्लूटूथ सिस्टम ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ चालू हो गया है। यहाँ पर ब्लूटूथ का लाइट धीरे धीरे आपको जलता हुआ दिख रहा होगा, मतलब मशीन ऑन है। तो ऑफ कर लेते हैं फिलहाल के लिए। इसके बाद एक नॉर्मल सा लोड सेल लगा के हम चेक कर लेते हैं। उमेश भाई क्या कर रहे हो? अभी लोड सेल वायर जोड़ देते हैं। इस तरीके से लोड सेल का कनेक्शन करने के बाद आप
आप इसको चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो अब इसमें से सबसे पहले आपको फ्लैट केबल लगा लेना है। फ्लैट केबल लगाएंगे तो डिस्प्ले पे आपको चालू होगा तो दिखेगा क्लियर कि आपका मशीन चालू हो रहा है क्या नहीं। देखिए फ्लैट केबल यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले में कि अभी ऑन हो रहा है कि नहीं। मैंने जस्ट इसका कनेक्शन थोड़ा साइड कर दिया है ताकि एक बार हम इसको आपको टेस्ट करवा सकें कि आप इस तरीके से लगाने के बाद ये प्रॉपर कैसे स्टार्ट होगा। ये लोड सेल है जो कि हमने टेस्ट करने के लिए लगाया है, सिर्फ इसको तो प्रॉपर इस तरीके से दिखेगा। एक बार के लिए हम इसे रख के आपको चेक करवा देते हैं कि आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये चालू हो रहा है। कैपेसिटी आपको 200 किलो 20 ग्राम से दिख रहा है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे वेट भी प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने की पैड अभी तक लगाया नहीं है तो इसका की पैड कनेक्शन कर लेते हैं। ये अभी की पैड कनेक्शन हो गया यहाँ पे। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले वर्क कर रहा है। इसका अभी तक एलिवेशन हुआ नहीं है तो हम इसका इस तरीके से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। लाने के बाद ये 500 इस तरीके से। दोस्तों एक्चुअली ये ब्लूटूथ पीसीबी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लूटूथ पे किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल अभी ये चालू हो गया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। वेट थोड़ा रेड डिस्प्ले है इसकी वजह से थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा होगा पर प्रॉपर जला है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे वेट दिखा रहा है। अभी इसको सेटिंग किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 ग्राम क्लियर दिख रहा होगा वेट। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं ब्लूटूथ सिस्टम का आगे का काम कि आप ब्लूटूथ सिस्टम का। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने 500 ग्राम रखा, यहाँ पे आपको 500 ग्राम दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 500 ग्राम क्लियर दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे अभी यहाँ पे टेयर, उसमें टेयर है, आप यहाँ से टेयर कर सकते हैं। देखिए टेयर फैसिलिटी, फिर आप जो भी सारे फैसिलिटी हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं सारे के सारे। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रॉपर एक बार कनेक्ट करके आप इसको ब्लूटूथ के रेंज में आप कहीं पे भी ले जाके वेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है, हमें देखना होता है और मशीन बाहर कहीं पे है, तो आप इस तरीके से या हैंगिंग वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्लियर दिखेगा। 500 ग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, 500 ग्राम यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके का ब्लूटूथ पीसीबी या और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप जान सकते हैं। दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी आपको ऐसा देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ सिस्टम आपको जो कि बताया, बहुत ही बेटर सिस्टम है, बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। आज के डेट में अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, धीरे धीरे वेइंग मशीन भी तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके का और भी बहुत सारा वीडियो देखने के लिए जल्दी से काटा बाजार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी ऐसी जानकारी के साथ में, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों में, बेटर रहेगा आप और वीडियो देखने के लिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।